हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र सिंह। आज मैं आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो हमारी है वो चार प्रकार की होती हैं। प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन विद थोरियम ऑक्साइड, टंगस्टन विद जिरकोनियम, टंगस्टन विद थोरियम स्टिक। सबसे पहले बात करते हैं हम प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। जो प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड हमारे, इसमें 99.7% तक प्योर टंगस्टन होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता। दूसरी हमारी टंगस्टन विद थोरियम ऑक्साइड, इसमें जो 102% थोरियम की मात्रा पाई जाती है और इसका प्रयोग अधिक करंट की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसमें आर्क स्थिर रखना आसान है और इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। नंबर तीन हमारी टंगस्टन विद जिरकोनियम, यानी इसमें 0.3 से 0.5% तक जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर एसी वेल्डिंग के लिए, यानी एसी वेल्डिंग मशीन के लिए किया जाता है। उसके बाद है टंगस्टन विद थोरियम स्ट्रिप्स। इस इलेक्ट्रोड में जो हमारी टंगस्टन की इलेक्ट्रोड होती है उसमें इसके जो अक्ष के समानांतर थोरियम की स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। इसका जो प्रयोग है वो एसी वेल्डिंग के लिए ही किया जाता है, न कि डीसी वेल्डिंग के लिए। अब बात करते हैं हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। इनकी पहचान के लिए जो प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती है हमारी, वो ग्रीन कलर की होती है। उसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा और जो टंगस्टन विद थोरियम होती है उसका कलर रेड होगा, यानी वो रेड कलर की होगी। और टंगस्टन विद जिरकोनियम, इसका जो कलर होगा वो ब्राउन होगा, यानी वो ब्राउन कलर का होगा। और टंगस्टन विद थोरियम स्ट्रिप्स, ये जो कलर होगा इसका वाइट होगा, जिससे इनकी पहचान की जा सकती है कि ये कौन सी इलेक्ट्रोड। उसके बाद हम साइज की बात करते हैं, इसके साइज की बात करते हैं तो ये 1, 1.6, 2, 3, 4, 8 mm तक के साइज में मिलती है। अब बात करते हैं हम इसकी लेंथ की, ये कितनी लंबाई तक मिलती है। 100 mm से 200 mm की लंबाई तक मिलती है। अब हम इसकी शेप की बात करते हैं तो ये दो शेप होती हैं इसकी, यानी दो आकार की मिलती हैं। एक होती है पॉइंटेड और दूसरी होती है राउंडेड, एक कोनिकल और एक गोलाई में होती है। जो पॉइंटेड होती है हमारी, वो हमेशा डीसी वेल्डिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। जो पॉइंटेड होती है वो डीसी वेल्डिंग के लिए, और जो राउंडेड होती है उसका प्रयोग हम एसी वेल्डिंग मशीन में करते हैं। ये जो इसका हमारी जो इलेक्ट्रोड है, जो इसका डाया है, जो इसका ढलान होता है वो 2D से ज्यादा नहीं होता, यानी अगर इसका व्यास डी है तो ये 2D होगा। ऐसे ही इसमें इसका भी अगर डी है तो ये 2D होगा। और जो ये गोलाई वाली होती है, राउंडेड होती है, वो जो इसका जो राउंड वाला पार्ट है वो 0.75 होता है, यानी 3/4 भाग उसका राउंडेड होता है। और जो जोब की और इसकी टिप का जो डिफरेंस होता है वो 2 mm से 6 mm तक होता है, यानी जोब के और टिप की नोक के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2 mm से लेकर 6 mm से अधिक नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
से आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। थैंक यू।